नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक इन दिस लेक्चर। तो बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझाया था कि कितने तरह के कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्जेस। इसमें एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसकी वजह से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकाल पाते हैं। तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया था, एक नहीं, हाँ एक ही था वैसे तो, उसके दो पार्ट मैंने करवा दिए थे और उसी तरह के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लाइन होती है, उसके एक्सिस पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है या कोई कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। एक्सिस के अलावा उसके इक्वेटर पे जो पॉइंट होता है वो भी हम लोगों ने निकाल के देखा, जस्ट परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हम लोगों ने पॉइंट देखा कि वहां पर ही, बट वो तब देखा जब जेड डिस्टेंस के साथ साथ आपको एंगल दिए हो, अगर एंगल गिवन है तो। हाँ, अब हम आज उसी सवाल को एक अलग तरीके से करेंगे। अगर मान लीजिए आपको एंगल नहीं गिवन है, आपको केवल उस रॉड की लेंथ गिवन है, तो एप्लीकेशन वैसी ही है, थोड़ा उसको घुमा के हम लोग करने वाले हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी। मैं आपको दिखा दूं हम लोगों ने क्या क्या किया था एक बार। हम लोगों ने ये सब किया था, ये तो खैर फोर्सेज वाला एरिया है, ये हम लोग तो ऑलरेडी निपटा चुके हैं। इन सब के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये सब फोर्स वाले क्वेश्चन हैं जो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो हम सीधा आएंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कल का है ना, ओके। ये मैंने एप्लीकेशन बताई थी आपको लास्ट, जिसमें एंगल दिया हुआ था थीटा वन थीटा टू दोनों हिस्सों से, तो उसका ही हम लोगों ने डिविजन किया था। बस अब हम आज यही एप्लीकेशन दोबारा करेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे कि हाँ थोड़ा आपको समझ में आए। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो एक वही एप्लीकेशन है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस जेड एट अ डिस्टेंस जेड अबाउ द मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अबाउ द मिड पॉइंट of a straight line segment of length straight line segment of length 2L that carries a uniform line charge लाइन चार्ज लैम्डा। चलो हम तो लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से ये निकाल रहे हैं, तो अब मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। देखो कल वाली ही प्रॉब्लम है, एक हमारे पास सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, तो ये एक लाइन चार्ज का टुकड़ा है, ये इसका मिड पॉइंट है बेटा, ठीक है ना। इस टुकड़े की लेंथ आपको दे रखी है माइनस एल से प्लस एल, मतलब एक्स एक्सिस पर आप देखोगे तो माइनस एल इसका एक कोऑर्डिनेट है और प्लस एक्स एक्सिस पे देखोगे तो प्लस एल इसका एक कोऑर्डिनेट है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टुकड़े की टोटल लेंथ कितनी है बेटा,
2L है, इस टुकड़े या इस सेगमेंट की वजह से इसके मिड पॉइंट से जस्ट ऊपर की ओर, इस टुकड़े की वजह से इस मिड, मतलब इस टुकड़े में लाइन चार्जेस अवेलेबल है, ऑब्वियस सी बात है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी इसके लाइन चार्ज तो अवेलेबल होंगे, पर इससे जस्ट जेड डिस्टेंस पर ऊपर है ना, जस्ट ऊपर एक पॉइंट है पी, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस संपूर्ण लाइन चार्जेस की वजह से, ये आपका सवाल है। अब इसमें कहीं पर एंगल नहीं दिया हुआ, अब आपको अगर थीटा वन थीटा टू नहीं पता, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पता था ये यहाँ से कनेक्ट करता है तो ये एंगल हमको पता था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में एंगल ही नहीं पता, हमको तो केवल लेंथ पता है कि सेगमेंट की लेंथ 2L है, हमको तो केवल जेड पता है, तो इस स्थिति में इस तरह के सवाल कैसे किए जाए? तो बड़ा आसान है, तरीका वही का वही है सेम, बस हमको लिमिट जो लगानी है ना वो एल के लिए लगानी है, ना कि थीटा के लिए लगानी है। पहले हम लोगों ने संपूर्ण सवाल को थीटा में कन्वर्ट किया था और लिमिट थीटा की लगाई थी, अब ऐसा कुछ नहीं करना, बहुत आसान सवाल है, आपको बस ये समझना है कि लिमिट क्या लगानी है इंटीग्रेशन करते वक्त। तरीका वही है, पहले हमको एक टुकड़ा काटना पड़ेगा लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए, जैसा कि हम हर बार काटते हैं, तो हम कहीं पर भी एक टुकड़ा काट लेते हैं जो कि छोटा सा होगा, तो जैसे कल काटा था वैसे आज काटेंगे। एक टुकड़ा मैंने यहाँ पे काटा है जो कि बेसिकली सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर अवेलेबल है टुकड़ा, और इस टुकड़े की जो विड्थ है वो डी एक्स है, इस टुकड़े की जो विड्थ है वो डी एक्स है, इस टुकड़े की जो विड्थ है वो डी एक्स है। इसमें समझ लेते हैं कि डी क्यू चार्ज अवेलेबल है हर बार की तरह, और इस टुकड़े की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डी ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक रेडियल डायरेक्शन होता है, तो एक सीधी रेखा में जाएगा डायरेक्शन, तो जिस डिस्टेंस पे आपको निकालना है उसी डिस्टेंस में आगे बढ़ के आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, है ना। अब एक एंगल में मन से मान रहा हूँ, ये दिया हुआ नहीं है बेटा, ये मैं मन से मान रहा हूँ क्योंकि कॉम्पोनेंट निकलेंगे ना इस वजह से, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ पर हमको x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है, और यहीं पर भी थीटा एंगल हमको बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्पोनेंट निकलेगा वो होगा dE cos थीटा, और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे dE sin थीटा। जो मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ ये सब मैं मन से मान रहा हूँ, जो मेरा ऑरेंज कलर में था ये सब हमको गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो बेटा अब देखो हो क्या रहा है, अगर मैं लाइन चार्ज डेंसिटी की यहां बात करूं, पहले उसको छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जिसकी वजह से निकाल रहे हैं और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस का पता होना जरूरी है, तो हम उनके बीच की डिस्टेंस पाइथागोरस से पता कर लेंगे। तो ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, तो आपको आता ही है, रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके हम लोग इस चीज को बखूबी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम हर बार करते हैं, हर सवाल में करते हैं, हम ये बात बोलते हैं कि लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर, अगर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है और टोटल उसकी लेंथ 2L है, तो वही लाइन चार्ज छोटा वाला चार्ज जहां पर अवेलेबल है छोटी वाले डिस्टेंस में उसके बराबर हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं अगर मैं इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो, तो के इस चार्ज की वजह से डी क्यू पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा रूट ऑफ जेड स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस है, प्लस एक्स स्क्वायर की पावर दो, क्योंकि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो उस स्थिति को ध्यान में रख के हम डी क्यू को वैसे भी लैम्डा में कन्वर्ट करते हैं हर बार, तो के लैम्डा डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब रुको, अब इसके दो तरीके हैं, जैसे समझाता हूँ मैं आपको। अब अगर मैं इधर, मैंने आपको कल आप एक बार बताई थी, मैंने कहा था अगर मैं कंपोनेंट को कैंसिल करना चाहूँगा तो मैं लिमिट लगाऊंगा जीरो से लेके समथिंग, बट अगर मान लीजिए हम ये बोलें कि हर स्टेज पे एक कंपोनेंट अपने आप को कैंसिल कर रहा है, कैसे कर रहा है समझाता हूँ, इधर आओ, यहां से आप जब जाओगे, यहां से आप जब जाओगे, देखो इधर ये लो यहाँ से हम जाते हैं, तो ये वाला सेगमेंट यहाँ पर भी तो है, तो ये सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, तो ऐसी बात है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट, सॉरी ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, तो डी ई साइन थीटा यहाँ पर भी आएगा और डी ई साइन थीटा यहाँ, डी ई कोस ना यहाँ,
तो डीई कोस थीटा से, और डीई कोस थीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डीई कोस थीटा से टीई कोस थीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा डीई साइन थीटा ही रहेगा, हमेशा इस पूरी लाइन में सिमेट्रिसिटी की वजह से डीई साइन थीटा रहेगा। तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो हमेशा कौन प्रोवाइड करेगा, वो हमेशा डीई साइन थीटा हमको प्रोवाइड करेगा। कल ऐसा क्यों नहीं किया था मैंने, कल ऐसा नहीं किया था क्योंकि कल वहां पर सिमेट्रिसिटी का अवेलेबल नहीं था फंडा। कल आपको याद है, कल मैंने एक डायग्राम बनाया था, है ना। उस डायग्राम में मैंने क्या करा, मैंने ऐसे किया था कि मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे जाएगा, तो इसमें ये वाला कॉम्पोनेंट और ये वाला कॉम्पोनेंट था। फिर मैं इसको रुक गया था करता करता, मैं इसको रुक गया था ना करते करते, क्यों रुक गया था, मैंने कहा था कि ऐसे करेंगे, फिर इसका ऐसा कंपोनेंट, फिर इसका ऐसा कंपोनेंट, ये कट जाएगा, फिर मैंने ये नहीं काटा था। उसका कारण ये था कि यहाँ पर सिमेट्रिक सिस्टम नहीं था। अब मैं आपको समझाता हूँ सिमेट्रिक सिस्टम के बारे में। देखिए बच्चों, 2L लेंथ जो होती है ना वो ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए 0 से लेके 2L अगर आप लोग लो तो ये एक ही तरफ सारी लेंथ जा रही है, तो ये असिमेट्रिक सिस्टम कहलाता है, ये असिमेट्रिक सिस्टम कहलाता है। सिमेट्रिक सिस्टम का मतलब ये होता है 2L लेंथ अगर मान लो माइनस एल से प्लस एल है, तो जो चीज नेगेटिव एक्सिस में जितनी है उतनी ही पॉजिटिव एक्सिस में हो, जितनी नेगेटिव एक्सिस में होती है उतनी ही पॉजिटिव एक्सिस में अगर हो तो वो सिमेट्रिक सिस्टम कहलाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप इसको पढ़ोगे, 1D बॉक्स के अंदर, 1D बॉक्स में आप देखोगे बच्चों कि एक तो आप नॉर्मल 1D बॉक्स पढ़ते हो, उसमें जो आप वेव फंक्शन निकालते हो वो द रूट 2/L साइन एन पाई एल अपॉन ए। फिर आप सिमेट्रिक सिस्टम में आते हो तो उसमें दो तरह के वेव फंक्शन आते हैं, साइन वाला अलग और कोस वाला अलग, है ना। ये वही चीजें हैं सारी की सारी, सिमेट्रिक असिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिमेट्रिक प्रॉब्लम है। सिमेट्रिक प्रॉब्लम होने की वजह से मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ पे जो कोस कॉम्पोनेंट है वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिसिटी की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, केवल और केवल क्या जुड़ेंगे थ्रू आउट लेंथ में, केवल और केवल साइन कॉम्पोनेंट एड होंगे, और ये लेंथ पे डिपेंड करेंगे जो आपकी लेंथ जा रही है माइनस एल से लेके प्लस एल तक। और सब कुछ हमको लेंथ में कन्वर्ट करना है, डीएक्स को हमको वेरी करवाना है, क्योंकि डीएक्स कुछ यहाँ पर है, डीएक्स कुछ यहाँ पर है, डीएक्स कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डीएक्स हमारा चल रहा है, तो डीएक्स हमारा वेरी करेगा। तो सब कुछ डीएक्स में कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रेशन डीएक्स के रेस्पेक्ट में होगा। डीएक्स एक लेंथ है जो कि माइनस एल से प्लस एल तक इंटीग्रेट हो जाएगी। तो बस तुम्हारा काम बन गया, सब कुछ थीटा बीटा सब हम लोगों ने मन से माने, इन सब को हटा दीजिए और सबको एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं आपको समझा दूँ, माइनस एल से प्लस एल यहाँ पर रख दीजिए, डी की वैल्यू पुट कर दो, के लेमडा डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो मैंने डी की वैल्यू पुट कर दी। अब रुको, साइन थीटा कुछ तो इलाज करें इसका, क्योंकि इसको एक्स में कन्वर्ट करना है। तो फ्रॉम द डायग्राम आप एक, इसको मैं बी पॉइंट नाम देता हूँ, इसको ए पॉइंट नाम दो। तो ट्राइंगल चेक करना बेटा, ट्राइंगल पी ओ बी में, सो इन द ट्राइंगल पी ओ बी साइन थीटा आप निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो लाल बटा का लंब बटा कर्ण, लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो ये हम लोग को खैर पाइथागोरस तो आती है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस तुम्हारा काम हो गया। तो यहाँ पर साइन थीटा कितना हो गया, जेड अपॉन रूट ऑफ, बस अब सबको थोड़ा सेट करेंगे और इंटीग्रेशन निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ले आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन अभी फिलहाल नहीं निकाल रहा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि प्लस जे केप में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, सारे कंपोनेंट कहाँ जा रहे हैं, प्लस जे केप में। तो मैग्नीट्यूड के साथ गेम खेल लेते हैं, बाद में हम डायरेक्शन का सोच लेंगे। तो माइनस एल अपॉन एल, तो के कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है, तो के और लेमडा तो खैर हमारे इंटीग्रेट होंगे नहीं। फिर उसके बाद में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जेड का, तो जेड है ही सही हमारे पास। और फिर उसके बाद में है जेड स्क्वायर। अब आपका टास्क ये है कि इसको आपको 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड, जहाँ भी आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हो, उस तरीके से सॉल्व करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। आई डोंट नो आपको कैसे सॉल्व करना आता है, मैं मेरा तरीका बताता हूँ, मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करता हूँ।
आप लोग अपने अपने हिसाब से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। मेरा एक सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। हमारे सर ने 11th में मुझे सिखाया था कि हम इस तरह के सवाल करने के लिए एक्स इज इक्वल टू जेड कोट थीटा अगर मान लें तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। देखना कैसे होगा, इससे क्या हो जाएगा, इसको लेट करके मान लेंगे तो इससे हो जाएगा डी एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी, मैं जानता हूँ कोट थीटा को माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से ये नीचे वाली टर्म थोड़ी सी अच्छी अच्छी खासी हो जाएगी। लिमिट बाद में सेट कर देंगे, लिमिट आप चाहो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज बाद में ये एक्स की लिमिट है, इसको थीटा में कन्वर्ट करने के लिए आप चाहो तो कर दो, वरना बाद में हम लोग थीटा को वापस एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। बट मेक श्योर जो लिमिट लगाई जाएगी वो एक्स में ही लगाई जाएगी, थीटा में नहीं लगाई जाएगी। तो मैं जब इसको करता हूँ, खैर लिमिट को मैं बाद में ध्यान दे लूंगा, फिलहाल तो मैं इंटीग्रेशन पे ध्यान देता हूँ। तो मेरे पास जो है वो है माइनस एल से प्लस एल जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, और डी एक्स का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, माइनस जेड कोसेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। जेड से जेड एक बार ले लेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अब आया, यहाँ जाओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया माइनस के लैम्डा, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस एल से प्लस एल जेड स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे से जेड स्क्वायर बाहर आएगा 3/2 पावर में, तो 2 से 2 कटेगा, केवल 3 बचेगा, जेड की पावर 3, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है बेटा कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर की पावर 3/2 तो कोसेक क्यूब हो जाएगा, सो कोसेक क्यूब थीटा। जेड स्क्वायर से ये कट गया, कोसेक स्क्वायर से ये कट गया, तो 1 अपॉन कोसेक होता है साइन। तो अल्टीमेटली ये पूरा इंटीग्रेशन जो कन्वर्ट हुआ है, मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, तो ये पूरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हुआ है ई इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा अपॉन जेड माइनस एल से प्लस एल। देख लो जेड बाहर आ गया, 1 अपॉन कोसेक मतलब साइन हो गया, तो ये हो गया साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग कर सकते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, पर लिमिट मत लगा देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ लिमिट वो एक्स की है, इसलिए वो एक्स हम लोग को पुट करना पड़ेगा। तो साइन का होता है माइनस का कोस, तो माइनस का कोस थीटा माइनस एल से प्लस एल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा के लेमडा अपॉन जेड। अब कोस को हमको चेंज करना पड़ेगा एक्स में। डायग्राम पे आ जाओ वापस से, सो फ्रॉम द डायग्राम, इस डायग्राम में देखो कोस मतलब लाल बटा कका, आधार बटा कर्ण मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस जो था इसका वो है एक्स अपॉन हाइपोटेनियस जो है इसका वो है रूट ऑफ। अब हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं, सो एक्स अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ तो अब पुट कर दो लिमिट, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, के लैम्डा अपॉन जेड अपर लिमिट मतलब एल अपॉन रूट ऑफ माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस एल अपॉन रूट ऑफ, तो एलसीएम आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है एलसीएम लेके थोड़ा इसको शॉर्ट मोड करेंगे तो ट्वाइस हो गया ये 2k लैम्डा एल, सेम टर्म है तो ट्वाइस हो गया अपॉन जेड रूट ऑफ। ये आपको लर्न करना है, ये बहुत सारी एप्लीकेशन में आपको डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा बेटा, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे कि अगर मान लो 2l लेंथ का कोई वायर है, उससे मिड पॉइंट से जेड डिस्टेंस पर जो पी पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या होने वाला है, के लैम्डा मल्टीप्लाई विद द 2l मतलब जो लेंथ है वो अपॉन जेड जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपको लर्न करना है डायरेक्टली,
ये कभी भी किसी भी एप्लीकेशन में डायरेक्टली आपको यूज़ करना पड़ सकता है बेटा, इसलिए इस प्रॉब्लम में डायरेक्टली इस चीज़ को लर्न करना है। डायरेक्शन की बात है तो प्लस जेकेब में जा रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्शन की ना। इसमें बेटा कुछ केसेस बन जाते हैं, थोड़े से वो केसेस के बारे में ध्यान दे लेते हैं हम लोग। जैसे केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन है कि अगर मान लो जेड बहुत बड़ा हो एल से, मतलब पॉइंट बहुत दूर है, जरा एक बार सोचो, अगर पॉइंट बहुत दूर पहुंच जाए, बहुत दूर अगर तुम्हारा पॉइंट पहुंच जाए, तो ये लाइन इसको क्या दिखेगी, एक जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। अभी तो आपको ये बहुत बड़ी लाइन दिख रही है, बट जब आप बहुत दूर पहुंच जाओगे, जैसे सितारा है, एक स्टार है, तो स्टार बहुत दूर है हम लोगों से, तो स्टार बहुत बड़ी चीज है, बट फिर भी हमको एक पॉइंट दिखता है वो जस्ट लाइक दिस। तो ऐसी स्थिति में ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब देखना क्या होगा, तो इस कंडीशन को डील करने के लिए जो चीज़ बड़ी होती है उसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, जो चीज़ बड़ी होती है उसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं। जेड बड़ा कौन है, एल, सॉरी जेड, तो जेड को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा वन प्लस एल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2, क्योंकि हमारे पास एल छोटा है जेड बड़ा है, तो हम लोगों ने जेड को बाहर निकाल लिया। अब इस स्थिति में क्या हुआ बेटा, ऐसा करने से हमने क्या किया, ऐसा करने से हम लोगों ने ये किया कि अब जो एल है, एल अपॉन जेड है, वो बहुत छोटा हो गया एक कंपेयर में, सो वी कैन नेगलेक्ट दिस टर्म एज कंपेयर टू वन। और ये तो स्क्वायर में और है, तो स्क्वायर तो बहुत ही कम हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो गया, E इज इक्वल टू टू के लैम्डा एल अपॉन जेड स्क्वायर। अब देखो मैंने कहीं पे लिखा है था कि लैम्डा बराबर क्या है, क्यू अपॉन टू एल है, तो क्यू बराबर टू के लैम्डा, तो ये हो जाएगा ना के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। मैंने कहा था ना पॉइंट चार्ज है, तो ये ऐसा दिख रहा है कि ये एक क्यू पॉइंट चार्ज, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, तो P से Z डिस्टेंस पे बहुत नीचे एक कोई पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसा कि मैंने कल आपको समझाया था कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कि Q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हम लोग ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आई ये बात, आसान सवाल है ना, ऐसा ठीक है, कर सकते हो आराम से, तो प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलिए अब मैं इसका दूसरा केस लेता हूं, केस नंबर टू। केस टू ये बात बोलता है बेटा, अब उल्टा कर दो, तो वही बड़ी चीज बाहर निकालनी है हमको स्क्वायर रूट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2 के लैम्डा एल अपॉन, अब की बार एल बाहर निकाल लो तो स्क्वायर रूट में 1 प्लस z² अपॉन l² बचेगा, ठीक है, वही बात पड़ जाएगी, ये नेगलेक्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू वन, एल से एल बचेगा, सो दिस विल अप्रोक्सीमेटली ऐसा क्या हुआ, ऐसा इसलिए ये एल बहुत बड़ी है, मतलब कि बहुत लंबा वायर है, ये लंबा बहुत वायर है, और वो पॉइंट चार्ज जरा सा इतनी सी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, जरा सी डिस्टेंस उसको दिख रही है, जेड बहुत कम है ना। तो लिखो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सॉरी पॉइंट चार्ज तो ये हो गया, यहाँ लिख लो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पे लिखो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
यहाँ लिखो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, इनफाइनाइट अब मैं ऐसा ही एक सवाल आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, मिलता जुलता थोड़ी सी मैं कंडीशन चेंज कर दूंगा, बाकी ऐसा कुछ कठिन सवाल नहीं है, आप लोग कर सकते हो, आप लोग इजीली कर सकते हो, आपके लिए होमवर्क है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस जेड, सेम लाइन लिख लो जो लिखाई है ना, ये लिख लो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस जेड अबाउ द मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, लिखो मैं लिखा हूँ, चलो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस जेड अबाउट वन एंड ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेगमेंट ऑफ लेंथ एल that carries a uniform line charge lambda सेम वही है, थोड़ा सा मैंने कंडीशन चेंज कर दी, मैं आपको समझा रहा हूँ कंडीशन मैंने क्या कर दी, एक्चुअली यही है स्ट्रेट लाइन, पर यहाँ जीरो से एल है, बस इतनी सी स्ट्रेट लाइन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो मैंने आधी गायब कर दी यहाँ से, ठीक है। और इससे जेड डिस्टेंस ऊपर की तरफ मैंने वही पॉइंट चार्ज रखा है, सॉरी वही पॉइंट रखा है पी, जहाँ पे आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपको हिंट और कर दे रहा, इसमें करना क्या है, वही आपको सेगमेंट लेना है, जैसे कि लास्ट टाइम लिया था मैंने डी एक्स एक्स सेगमेंट, आप लोग मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे, सेम काम करना है, सेम बच्चों आपको इसमें सेम काम, बस इसमें सिमेट्रिसिटी ब्रेक हो गई, तो सिमेट्रिसिटी ब्रेक होने से क्या हुआ बेटा, सिमेट्रिसिटी ब्रेक होने से पता है क्या हुआ, कि वो जो कोस वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा था ना बेटा, अब वो नहीं होगा, अब ये डी ई के दो कंपोनेंट निकलेंगे, पहले डी ई पूरा जे केप में जा रहा था, ये पूरा डी ई कहाँ था, जे केप में था। अब की बार मैं आपको एक लाइन में हिंट दूंगा, देखो सीधा मैं आपको इसमें एक लाइन में हिंट दे रहा हूं सीधा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE साइन थीटा जो कि ऊपर जा रहा है प्लस जे केप में, और माइनस DE कोस थीटा जो कि जा रहा है आई केप में, माइनस में इसलिए वो जो माइनस आई केप में जा रहा है, और इसमें अब जो लिमिट लगाओगे आप दोनों में लगाओगे जो से है, बस इसको सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया है ठीक वैसे ही। थोड़ा सा इसको मैं उस वाले तरीके से एक बार करके दिखा रहा हूँ आपको, किस वाले तरीके से, थीटा वाले तरीके से समझाते हैं कैसे। मैंने आपको एक बात कही थी कि यहाँ पर एंगल थीटा वन थीटा टू लेते हैं, तो ये थीटा है मान लीजिए, अब ये जो एंगल है अगर मैं देखूँ उस वाले एप्लीकेशन में, कौन सी एप्लीकेशन है बेटा, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर ले जाके दिखाता हूँ, एक एप्लीकेशन थी
उसमें यही सब कुछ था, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये थीटा वन एक एंड पे जो है वो तो है थीटा टू, थीटा वन, और जो लोअर एंड है उसमें है माइनस थीटा टू। तो उसका मैंने जो डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला लिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैं उससे करके दिखाता हूँ। आपका होमवर्क ये है कि आप इससे करके लाएंगे आंसर, मैं सीधा आपको फॉर्मूले से इस वाले से करके दिखाता हूँ। तो ये था, याद है आपको मैंने आपसे कहा था ई इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन, पहले वो डिस्टेंस जो भी थी आई डोंट नो, बट अब ये डिस्टेंस जेड है, तो यहाँ पर आपको जेड लिखना पड़ेगा मिड पॉइंट से जो जा रही है। और ऐसा था कि साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ऐसा कुछ था, और ये आई केप में था, फिर प्लस के लेमडा अपॉन जेड कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू जे केप में। जरा कंपेयर करना बेटा, थीटा वन थीटा टू क्या हो सकते हैं इस प्रॉब्लम में, आपके अकॉर्डिंगली क्या हो सकते हैं, तो कंपेयर करोगे तो देखना थीटा वन मतलब जो अपर वाला हिस्सा है वो मिड लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पर वो थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। अपर वाला हिस्सा मतलब राइट साइड वाला हिस्सा, तो ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। लोअर हिस्सा मतलब लेफ्ट साइड हिस्सा जो है वो चिपक गया, बिल्कुल चिपक गया, इसलिए 0 डिग्री एंगल हो गया। बस ये दो इम्प्रूवमेंट अगर ला दिए तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों इम्प्रूवमेंट लाने के बाद में वो हो जाएगा के लेमडा अपॉन जेड। ओके, तो थीटा वन तो थीटा हो गया, थीटा टू जीरो हो गया, तो साइन थीटा वन केवल थीटा बच गया, वो भी आई केप में, और फिर कोस की बात आई तो प्लस के लेमडा अपॉन जेड, थीटा वन थीटा रह गया, कोस वन हो गया, थीटा टू मतलब वन हो गया, तो ये हो गया कोस थीटा माइनस वन और जे केप। यहाँ पे थीटा का कोई हिसाब किताब नहीं, थीटा आपने मन से माना है इसलिए थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थीटा रिप्लेस कर दीजिए, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो लाल बटा कका, लाल बटा कका, तो ऐसे अगर लाल बाल कका वका लगा दे हम लोग इसमें तो खैर। वैसे ये तो x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस कहाँ तक वेरी कर रही है, अगर मैं इसका एक एंड l ले लेता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगी, तो l ना, तो ये हो जाएगा l अपॉन सॉरी लाल आधार, ठीक है, सो आधार बटे कर्ण, ठीक है, तो रूट ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा, बस ये वैल्यू ऊपर पुट कर देनी है आपको, ये वैल्यू पुट कर देनी है, थोड़ा सा समझ के इसको, एक बार देख लेता हूँ मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ मिस्टेक है। अच्छा, गॉट इट। एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये है कि ये थीटा वो थीटा है ही नहीं, समझ। ये जो एंगल है ना ये पी पॉइंट पे बना हुआ है, समझ गया, ये एंगल इस पी पॉइंट पे बना हुआ है, नॉट दिस एंगल, दिस इज अ थीटा, सो आई एम जस्ट राइटिंग पी पॉइंट पे ये वाला एंगल बना हुआ है। अरे ये थीटा प्राइम है बेटा, ओके इसको थीटा प्राइम बोलेंगे, ओके सॉरी। तो पता है क्या होगा, ये थीटा प्राइम है, थीटा तो अपन ने इस प्रॉब्लम के लिए क्रिएट किया है, अरे ये कन्फ्यूज में तो ना है ना, थीटा हमने इस प्रॉब्लम के लिए क्रिएट किया है, ठीक है, ये जो एंगल थीटा वन बना हुआ है ये इस पी पॉइंट पे बना हुआ है, सो इस पी पॉइंट पे थीटा बनेगा, और इधर के पी पॉइंट पे तो वो बन गया तो जीरो हो गया, तो ये थीटा प्राइम होगा, सो ये थीटा प्राइम होगा, तो इसके लिए जो
ये एल नहीं होगा फिर, अरे रे ये फिर यहाँ नहीं आएगा एक्चुअली, इस स्थिति में ये एल नहीं होगा और ये जेड नहीं होगा। लाल बटे का आधार, जो आधार मतलब बेस होगा, वो बेस इसका होगा, वो बेस इसका अलग होगा। क्या होगा वो बेस? वो बेस होगा जेड, ना कि एल, और ये जो परपेंडिकुलर है वो एल होगा। अब ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर आएगा ना आपकी, जब आप सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा के लेमडा एल अपॉन जेड रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आई के और प्लस के लेमडा अपॉन जेड जेड अपॉन रूट ऑफ माइनस वन। ये आपको आंसर निकालना, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया इसको, अब ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आपको सॉल्व करके लेके आना है। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया सवाल हो रहा है ये, तो आप लोग इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए परफेक्ट प्रैक्टिस होती है। अब देखो, इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड मैं एक और सवाल आपको करवाता हूँ, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से आराम से सुनना और समझना उस एप्लीकेशन को। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आएगी, मतलब वो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएगा, बट ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि इस एप्लीकेशन का लास्ट रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर 2L लेंथ का कोई वायर है, उससे Z डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप लोगों ने लिख दिया K लैम्डा मल्टीप्लाई विद द 2L अपॉन Z रूट ऑफ Z स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आपने लर्न कर लिया। बस इस एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल करवाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, बड़ा आसान सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस जेड एट अ डिस्टेंस जेड अबाउट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर अबाउट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर अबाउट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर लूप साइड ए कैरिंग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लैम्डा। कैरिंग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लैम्डा। हाँ, सवाल बहुत सिंपल सा है कि एक लूप है आपके पास में, एक यूनिफॉर्म लूप है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऐसा एक लूप है, दिख रहा है पेंटैप, ऐसा एक लूप है, और ये पेंटैप तो खैर रेक्टेंगल है, आपके पास स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स ए है, तो कोई भी एक साइड ले लो, जैसे मान लो ये साइड इसकी ए है, सारी साइड्स ए है, और इसके सेंटर से जस्ट जेड डिस्टेंस ऊपर एक पी पॉइंट है जहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो बेटा, हमने ये बात पहले पढ़ी हुई है, समझना ध्यान से, हमने ये बात पहले पढ़ी हुई है कि अगर कोई लाइन है, अब ये चार लाइन से मिलकर बना है,
सब में लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब ये है कि बीच में से ये खोखला है, खोखला इन द सेंस बीच में कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्जेस हैं वो इसकी साइड्स पर है, लाइन चार्ज डेंसिटी अवेलेबल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बीच में से एक खोखला है, ओके, लाइंस पर चार्जेस है। तो बेटा इधर देखना, यहाँ पर ये 2L लेंथ का मैंने आपको एप्लीकेशन पढ़ाई थी और इससे Z डिस्टेंस पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था और उसकी वैल्यू थी के लैम्डा 2L जो डिस्टेंस है वो अपॉन रूट ऑफ जेड जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यही एप्लीकेशन अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ, यहाँ पर ये जो लाइन है उसका लेंथ कितना है, 2L नहीं है, उसका लेंथ कितना है a, तो फॉर वन लाइन, फॉर अ वन लाइन, और सेंटर से, लूप के सेंटर से नहीं बेटा, लाइन के सेंटर से, सिमेट्रिक बॉडी है आपकी पूरी लाइन, तो कोई भी एक लाइन पकड़ लो, पूरी बॉडी पकड़ने की नीड नहीं है आपको। तो हम ये जानते हैं कि ये डिस्टेंस जो है सेंटर से, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, हमको यहाँ तक की डिस्टेंस देखनी है, सेंटर से पी की डिस्टेंस चाहिए क्योंकि लाइन के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस जेड है। तो जो डिस्टेंस जेड है पहले, अब वो डिस्टेंस यहाँ पर इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं इसको मान लेता हूँ ये कितनी होगी बेटा, ये ए बाई टू होगी, नो डाउट आप समझते हो ना इस बात को, ये डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, ए बाई टू होगी, बिकॉज सारी ए बाई टू है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर। अरे ये बात समझ में आ रही है आपको, बहुत बहुत आसान सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो हमारे पास जो z डिस्टेंस थी, अब वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई फोर। सो इस लूप की एक लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो यहाँ लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू वन लाइन। तो एक लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा वो ईवन कहलाएगा और वो कितना हो जाएगा के लैम्डा, सबका सेम है, लैम्डा टू एल की जगह तुम्हारे पास ए आ जाएगा अपॉन जेड की जगह क्या आ जाएगा, रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर और फिर से रूट जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर मतलब कितना हो गया, रूट में है तो वो तो जेड स्क्वायर करोगे तो इतना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर प्लस एल स्क्वायर, एल की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए बाई फोर, तो ए स्क्वायर बाई फोर, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। सो इससे हम लोग ये बात लगा सकते हैं पता कि ईवन का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा के लैम्डा ए अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर और रूट ऑफ ये मैग्नीट्यूड होगा, इसने मैग्नीट्यूड ही पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछी है। अब आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन तो क्या थी, जे गैप में थी, यहाँ तो कुछ और होगी, यहाँ तो यह टेढ़ा जा रहा है ना, टेढ़ा तो टेढ़ा मतलब यह होगी, तो वो जाएगा डायरेक्शन टेढ़ी जान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन पूछी ही नहीं है उसने, उसने केवल मैग्नीट्यूड की बात बोली है, ठीक है ना। तो हम केवल जो जोड़ देंगे वो मैग्नीट्यूड पर देंगे, है ना। हम डायरेक्शन पे जोड़ देंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो जान तो टेढ़ा जा रहा है तो, बट हाँ मैग्नीट्यूड तो ऐसा ही रहेगा, उसकी चिंता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग बोलो कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रहा है तो ये दो कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएंगे फिर चेंज हो जाएगा, नहीं, सिमेट्रिक बॉडी थोड़ी है, ये थोड़ी कि प्लस में इधर है माइनस में इधर है, ऐसा नहीं है, सिमेट्रिक बॉडी होगी तो ऐसा करेंगे, बट सिमेट्रिक बॉडी नहीं है, इसलिए सिंपल एक लाइन से ही आएगा। सो ड्यू टू फोर लाइन मतलब ड्यू टू लूप, चार का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। सो ड्यू टू द कंप्लीट लूप द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सारी लाइन एक जैसी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का पालन करती है, उसी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की वजह से जो है चार ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई मतलब फोर का मल्टीप्लाई होगा, फोर के लैम्डा ए अपॉन, फोर के लैम्डा ए अपॉन रूट ऑफ
जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर एंड रूट ऑफ दैट्स इट, खत्म काम, ये इसका आंसर। तो ये ऐसे एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए मैंने आपको पहला एग्जांपल बता दिया, कोई भी एक लाइन या कोई स्ट्रेट लाइन की वजह से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। लाइन चार्ज डेंसिटी का एक और एग्जांपल है, वो है लूप या सर्किल। आप ये जानते हो कोई भी सर्किल जो होता है ना, वो सर्किल भी एक लाइन चार्ज डेंसिटी कंटेन करता है। अगर कोई सर्किल के ऊपर चार्जेस हैं तो वो भी लाइन चार्ज डेंसिटी कंटेन करता है, समझना ध्यान से। अब हम अगली एप्लीकेशन सर्किल के ऊपर पढ़ने वाले हैं, तो जरा ध्यान देना सर्किल की चीज़ों के ऊपर, जरा ध्यान देना सर्किल के स्ट्रक्चर के ऊपर, थोड़ा हम इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना, समझना। तो अगली एप्लीकेशन लिखो, क्वेश्चन नंबर चार, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ये बड़ी आसान एप्लीकेशन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस जेड एट अ डिस्टेंस जेड अबाउट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप अबाउ द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप दैट कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लैम्डा। बहुत आसान एप्लीकेशन है और बहुत इजीली आपको याद आएगी, समझाता हूँ। देखो एक ये लूप है, ये लाइन चार्ज कंटेन कर रहा है, इसका रेडियस जो है ना वो आर है। अब आर डिस्टेंस पर है रेडियस, मतलब थोड़ी डिस्टेंस आर, इसके सेंटर से जेड डिस्टेंस अबाउ एक पॉइंट रखा हुआ है पॉइंट, ठीक है। अब इस पूरे लाइन की वजह से मैं एक साथ नहीं निकाल पाऊंगा, तो हमेशा की तरह मैं एक स्ट्रिप काटूंगा। मैं इसमें कोई भी एक स्ट्रिप काट लेंगे, मैं इसको एक स्ट्रिप काट लेता हूं, तो मैं इसकी स्ट्रिप जो काटता हूं ना, कहीं भी एक डीक्यू चार्ज की स्ट्रिप काट लेता हूं। देखो मेरा स्ट्रिप, अब ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया बेटा। अब आपको पोलर समझता हूं मैं, पोलर क्या होता है। पोलर ये होता है बेटा कि पोलर सिस्टम में दो कोऑर्डिनेट होता है, आर और थीटा, है ना। इसमें ये कार्टेशियन नहीं है। अरे हाँ, आपको थोड़ा सा एक नॉलेज देना था ये सिस्टम के बारे में, जानकारी लेने के लिए आप लोग मेरा यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है, मैं आपको शो करता हूँ, वो जरूर देखना, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम को जाने और समझे आप लोग थोड़ा कम समझ पाओगे चीज़ें। इसलिए मेरी एक आपसे दरख्वास्त है, एक मिनट रुको मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वो कहाँ है, जस्ट स्ट्रीट। होल्ड करो, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, ये यूट्यूब खोला, ऐसे आ जाना गूगल पे, गूगल पे जाइए, यहाँ पर आप YouTube खोलिए और एक मेरा चैनल है AJ Physics करके, ठीक है ना, एक मेरा चैनल है AJ Physics करके, आप वहाँ जाइएगा कृपया। नमस्कार बच्चों, यहाँ पर मेरे वीडियोस में जाएंगे, आप हैं AJ Physics के तो YouTube चैनल पे, और मेरा नाम है अक्षय जैन, और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा
इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, जो लोग पहले से एग्जिस्ट करते चलाते हैं वो लोग थोड़ा वो जानते होंगे, प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा, और जो आज मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो प्लेलिस्ट में जाने के बाद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। बहुत पहले सो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन प्लेलिस्ट बनाई थी एंड क्लासिकल मैग्नेटिक्स फॉर सीएसआईआर कोर्सेस, ठीक है। तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपके सामने है कि इस तरह से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका नाम है पीजी कॉलेज में क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर सीएसआईआर, क्वालिफिकेशंस आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। एमएससी फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है, गेट तीन बार है और टेस्ट भी है, और फिलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूं न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो इस प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो है, प्लेलिस्ट का नाम क्या है, 4 साल से क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर लास्ट 4 इयर्स में जो है इसका जो पहला वीडियो है वो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेक्चर या यूजी नेट कैटेगरी, और है ना इसका जो पहला वीडियो है इसको वॉच कर लीजिएगा ये लोग, बस ये जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। Hi everyone, my name is Akshat. This is my wife Ayushi. You might already know me from my YouTube videos. Now why? आपको सब्सक्रिप्शन है ना, ये मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये बड़ा बड़ा यूजफुल वीडियो है बेटा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लाइव क्लासेस के लिए पहले मैं अनअकैडमी का पढ़ा था, उसका वीडियो ही है। तो आपको मैंने पार्टिकल के कोऑर्डिनेट निकालना होता है, मान लीजिए हम लोग क्लास रन करने हैं ताकि आप क्वांटिटी में चेंज कर्वी लीनियर है, लेकिन यहां से हो सकता है वो डेल्टा के बारे में टू माइनस वाई वन लिखते थे और डीजेड बराबर आप लोग क्या लिखते थे, ये क्या क्लासिकल मैकेनिक्स लिखे हुए थे यहाँ पे बीएससी के अंदर, तो वहां और ये हमारे पास सपोज आपका सरफेस कार्टेशियन डायरेक्शन में निकाल सकते हो सर, इधर बाहर की तरफ आएगा डिस्प्लेसमेंट अगर आप करते हो तो ऑब्वियस सी बात है ईवन कैप, और यहाँ पे था सिलेंड्रिकल सिस्टम के बारे में आगे जानकारी, और एच टू हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा सिलेंड्रिकल सर्कुलर, इसका ग्रेडियंट प्रोफाइल है ना, सेंटर को आप इमेजिन स्फेरिकल सिस्टम है, वहां से लेमन का जो रेडियस है आर मान लो, ये हमारा रेडियस आर मान लिया हमने लेमन का, ठीक थीटा आपका बन रहा है जेड एक्स, ये ले लिया थीटा की डायमेंशन क्या होती है जीरो से लेके पाई तक होती है, ये आपका एक्स एक्सिस है आएगा आपका आर साइन, मतलब क्या होता है डिस्टेंस के साथ बनता है एंगल उस आर के, मतलब डी आर अपॉन डी टी रजिस्टर में इस तरीके तो ठीक है ये आप बात और डाइवर्जेंस फिलहाल के लिए, और सिंपल के लास्ट में क्या हो जाएगा कर्ल, ठीक है। तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगा बेटा, क्या हो जाएगा लाप्लासियन सिंपली फॉर्मूले जो मैंने ऊपर बताया था ना आपको एच वन एस टू एस थ्री वाले कर्वी लीनियर के, केवल वहीं पे आपको इनको पुट करना है एच वन एस टू एस थ्री, बाकी छोटी मोटी जानकारी तो मैं आपको देता हूँ कोऑर्डिनेट के बारे में। हम लोग स्फेरिकल का 2D वर्जन लेंगे जो कि पोलर सिस्टम होता है, अब मैं आपको थोड़ा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाता हूँ। पोलर सिस्टम क्या होता है बेटा, पोलर सिस्टम में दो तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक तो आर और थीटा है ना, आर और थीटा होते हैं। अब आर और थीटा में एक होता है आर एक थीटा, जैसे मान लीजिए कोई एक सिस्टम है ये एक्स और वाई एक्सिस है, इसमें अगर कोई पॉइंट के हमको निर्देशांक निकालना है कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये कितनी डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, ये दो कोऑर्डिनेट होते हैं। आर का डायमेंशन होता है ना बेटा वो होता है जीरो से लेके इनफिनिट तक कुछ भी हो सकता है, और थीटा पूरा कम्प्लीटली घूम सकता है, तो ये सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक ये लिया है, एक छोटा टुकड़ा लिया है डी क्यू, इसका चार्ज है मतलब इस टुकड़े में डी क्यू चार्ज अवेलेबल है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि डिस्टेंस तो उसकी आ रही है, ये टुकड़ा मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ तो ये इतना छोटा टुकड़ा है कि ये डिस्टेंस लोगे तब भी आर है, ये डिस्टेंस लोगे तब भी आर है, बट इस टुकड़े का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डी थीटा है, इस टुकड़े का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है डी थीटा है। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ ना कि ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की इसे बोलते हैं आर्क, तो आर्क इज इक्वल टू देखो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क बराबर एंगल मल्टीप्लाई विद द रेडियस, आर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल मल्टीप्लाई विद द रेडियस। तो अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूँ तो इस टुकड़े में जो चार्जेस हैं वो कितना है डी क्यू है,
देखो टोटल चार्ज तो हमारे पास क्यू है और टोटल इसका लेंथ कितना है, इसका सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस 2πr होता है बेटा, ठीक है ना। पर यहाँ पे टुकड़े के लिए चार्ज dq है, तो इस टुकड़े में जो लेंथ हमारे पास अवेलेबल है वो है r d थीटा। अरे समझ रहे हो बात को, तो ये मेरे पास सिस्टम बैठ गया। तो आपको ये समझना है कि r ये d थीटा, इस तरह से हम लोगों ने एंगल निकाल लिया और इस तरह से मैंने चार्ज का वो भी निकाल लिया। तो अगर मैं इस टुकड़े की वजह से डी क्यू देखूं तो वो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। अब मैं अगर इस टुकड़े की वजह से, इस सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं तो वो यहां पर हो जाएगा डी ई, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा तो फिर यहां पर भी बनेगा थीटा, और इसके बनेंगे दो कंपोनेंट, ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा TE cos थीटा और यह हो जाएगा DE एक बात याद रखना, सर्कुलर सिस्टम में ये डिस्टेंस अगर R है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इन द सेम वे यहां पर भी क्या होगी, नेगेटिव में भी R होगी, तो ये सिमेट्रिक सिस्टम बनेगा। सिमेट्रिक सिस्टम बनने से क्या हो जाएगा कि ये सेगमेंट यहाँ पर होगा, इस सेगमेंट के दो कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा, तो वही कोस कंपोनेंट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा बेटा, साइन कंपोनेंट बचेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे इन द सेम प्रोसीजर, वही डी ई और यहाँ पर केवल साइन थीटा निकलेगा क्योंकि साइन थीटा इन लोगों का कॉम्पोनेंट है, और फिर ये डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग, डी मतलब कितना हो जाएगा वही के, ये बता दूं मैं, कोई काम का नहीं है, कोई तो अलग किसी काम का नहीं है, समझ गया ना, तुमको पोलर समझ में आ गया ना, बस काफ़ी इतना ही, इस सवाल में इसका कोई काम नहीं, ठीक है ना। हाँ तो ये सवाल में इसका कोई काम नहीं, बस समझ गया आप लोगों ने। हाँ तो अब डी देखो, यहाँ पर डी जो हो जाएगा वो डी की कितना हो जाएगा, छोटे टुकड़े के डी क्यू और दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब भाई साहब डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस तो खैर हमको पता है वही हाइपोटेनियस होगा, वो तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके आप निकाल सकते हो, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगी, और डी क्यू का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है के लैम्डा आर डी थीटा। अब सब कुछ थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, एक आर में कन्वर्ट है एक थीटा में कन्वर्ट है, तो कैसे कैसे चलेगा, या तो सबको थीटा से हटा दो या फिर सबको थीटा में ला दो, तो सबको थीटा में लाने के लिए काम करना पड़ेगा सबको थीटा की लिमिट लगाएंगे हम लोग, थीटा की लिमिट 0 से लेके 2πr है, थीटा की लिमिट कितनी है बेटा, 0 से लेके 2πr। अच्छा ठीक है, अब इस टुकड़े को हम लोग L मान रहे हैं ना, तो इसको dl मान लेते हैं, रुको रुको रुको, कितना भी कनेज होती है, आप थीटा वेरी मत करो, आप एक काम करो, ये टुकड़ा जो है ना इसकी लेंथ dl मान लेते हैं हम लोग, तो r d थीटा जो है ना उसको dl लिख देते हैं, क्योंकि वेरी तो ये dl करेगा ना, ये थीटा तो वेरी कर नहीं रहा, इस थीटा को तो हम बाद में कर देंगे सॉल्व। तो जो लिमिट लगाएंगे वो हम लगाने वाले हैं किसकी, सुनना, के लैम्डा डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ ये काम कर सकते हो कि आप थीटा को इस फॉर्मूले में लगा दो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, लाल बटा का लंब बटा कर्ण, तो लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि जेड स्क्वायर प्लस, अरे तो काम ही कदम लो, मैंने इसको हटा ही दिया पूरा थीटा को, थीटा पूरा हट गया, अब देखो केवल वेरी कर रहा है एल, समझना ध्यान से, जो इस पूरे सर्किल में वेरी करेगा वो एल मतलब डीएल वेरी, डीएल 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 डीएल, तो बार बार डीएल के रिपीटेशन से पूरा सर्किल बन जाएगा। तो भाई साहब जो लिमिट लगाएंगे वो डीएल की लगाएंगे ना, तो के कॉन्स्टेंट लेमडा कॉन्स्टेंट जेड भी कॉन्स्टेंट, इसके अलावा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2,
अब जो इंटीग्रेशन में रहा वो केवल डीएल रहा, क्योंकि डीएल को ही हम ऐड कर रहे हैं और डीएल का ही वेरिएशन हम थ्रू आउट देख पा रहे हैं, और वो लिमिट जीरो से लेके 2πr यहाँ पर लग जाएगी, और इस स्थिति में इसका जो सर्कमफेरेंस है वो कितना आ जाएगा 2πr, सो के लैम्डा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2πr। और मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो ऊपर की जो डायरेक्शन है वो जे केप है, एक्चुअली स्फेरिकल पोलर और सिलेंड्रिकल सिस्टम है, नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे लेते थे वो, ऐसा ऐसा और ऐसा, तो ये वाई होती है, ये जेड होती है और ये एक्स होती है, वो आपकी इच्छा है। हम लोग मानते हैं कि ऊपर की तरफ जेड केप है, तो मैं ऊपर, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में बना हुआ है, नॉर्मली सर्किल जो बनता है वो एक्स और वाई प्लेन में होता है, और उस सर्किल के तल तल जो होता है सरफेस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा जेड केप होती है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेना हो तो जेड केप में लेना पड़ेगा, जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम सर्किल वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आपको समझ में आएंगे, आप लोग सब इसका एनालिसिस करेंगे रिंग का, जैसे मैं आपको समझाऊँ, मैं आपको थोड़ा और रिंग के क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। ये तो एक क्वेश्चन है जब आपने एक कंप्लीट रिंग का निर्माण किया है, अगर मैं रिंग पूरी कंप्लीट ना लूँ, थोड़ा पार्ट में लूँ, जैसे मान लो कि मैं एक छोटी सी और रिंग लेता हूँ, इसकी अगली एप्लीकेशन केवल प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ मैं आपको, है ना, ये ऐसा नहीं कि मेन एप्लीकेशन तो मैंने करा दिया आपको रिंग वाली, अब इसकी एप्लीकेशन वाइज करवाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना, सो 5 के अंदर देखना, अब की बार मैं रिंग का केवल छोटा सा पार्ट लूंगा, एक क्वेश्चन, और इसमें लैम्डा है आपका लाइन चार्ज डेंसिटी, और इस रिंग की रेडियस जो है ना वो है आर। चलो इसको करते हैं, और सेंटर पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ निकालना है बेटा, सेंटर पे। अब जेड एक्सिस पे नहीं निकालना ऊपर, अब कहाँ निकालना है, सेंटर पे निकालना है। चलो करते हैं इस एप्लीकेशन को पूरा, तो इस एप्लीकेशन में क्या है बेटा, वापस से वही तरीका अपनाएंगे कि ये रिंग है और इस रिंग में एक हम लोग लाइन चार्ज काट लेंगे, अब चूंकि ये आर डिस्टेंस पर है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो लाइन चार्ज आपने काटा है ये डी थीटा कोण का आपने एंगल पे इसको काट दिया है, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर होगा रेडियल डायरेक्शन में डी ई, और वही बात बढ़ जाएगी, अगर ये पॉइंट चार्ज थीटा एंगल पर है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज बहुत छोटा है, तो ऐसा मत समझना कि थीटा केवल इस लाइन से बनाया है, थीटा इस लाइन से सबसे थीटा बनेगा ये, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, इसलिए डी थीटा नेग्लिजिबल है, डी थीटा वेरी स्मॉल है बहुत, वो थीटा वो हर पॉइंट से बनेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो अगर वहाँ थीटा बना हुआ है तो यहाँ पर अगर हम एक्सिस ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा, तो इसके दो कॉम्पोनेंट निकल जाएंगे डी ई साइन थीटा और डी ई कोस थीटा। अब इसको कैंसल करने के लिए सिमेट्रिसिटी में कोई बॉडी नहीं है, यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है सिमेट्रिसिटी में, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि सिमेट्रिसिटी में क्या है, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ कोई बॉडी होनी चाहिए, या फिर यहाँ कोई बॉडी होगी तो कॉम्पोनेंट कैंसिल करेगी, यहाँ कोई बॉडी होगी तो यहाँ तो कोई है ही नहीं एलिमेंट, केवल यहीं पर एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कॉम्पोनेंट जिंदा रहेंगे, इनमें से कोई भी कंपोनेंट हटेगा नहीं, तो इसका मतलब, और हाँ थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो से लेके पाई बाई टू तक वेरी करेगा, क्योंकि रिंग हमारे पास केवल इतनी सी है, जीरो से लेके पाई बाई टू तक, ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास अब जो हमारे पास डी ई होगा यहाँ पे वो होगा के इस छोटे से लाइन में डी क्यू चार्ज अवेलेबल है, और सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आर स्क्वायर यहाँ पर इसका रेडियस है वो होगा, ठीक है। तो के उसकी लेंथ हम लोग डीएल मान लेते हैं छोटे से एलिमेंट की, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, मैंने आपको समझाया था पीछे डीएल बराबर कितना हो जाएगा, आर डी थीटा होगा,
जैसा कि मैंने आपको समझाया था पीछे, ठीक है, उस स्थिति में डी ई जो निकालेंगे हम लोग वो जाके लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है वो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे देखना, थीटा को वेरी करवा दो जीरो से लेके पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर डी ई एक तो कोस कंपोनेंट होगा तो कोस थीटा, और ये माइनस आई केप में जा रहा है पीछे की तरफ माइनस एक्स डायरेक्शन में, और ऐसे ही जीरो से लेके पाई बाई टू। अब की बार नीचे जा रहा है साइन थीटा, डी साइन थीटा और ये माइनस जे के टू। जरा डी ई की वैल्यू को पुट कर दीजिए के लैम्डा अपॉन आर तो कॉन्स्टेंटली बाहर आ जाएगा, डी थीटा केवल अंदर बचेगा, तो दोनों के डी ई में के लैम्डा अपॉन आर बाहर आ जाएगा ना, और पहला वाला माइनस में दूसरा वाला माइनस में, तो एक बार को मैं माइनस चलो बाद में देख लेंगे, माइनस जीरो से लेके पाई बाई टू अंदर बचेगा एक तो कोस थीटा डी थीटा माइनस आई के में और प्लस जीरो से लेके पाई बाई टू साइन थीटा डी थीटा और ये माइनस जे के में। जरा इसको आप इंटीग्रेट तो कर सकते हो ना आराम से, कर दो इसको इंटीग्रेट, तो के लेमडा अपॉन आर ये माइनस आई कैप और माइनस जे कैप करके ये आ जाएगा, बस आराम से। वेरी कैसे करवाना है वो आप पे डिपेंड करता है, मैंने इस बार थीटा वेरी करवाया, मैंने एल वेरी नहीं करवाया, ठीक है, क्योंकि मुझे एल वेरी करवाने में थीटा को नेग्लेक्ट करना पड़ता, हटाना पड़ता, फिर मुझे यहाँ पे वो पाइथागोरस का उपयोग करना पड़ता, ये थीटा है, फिर मुझे ये डिस्टेंस तो पता है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, फिर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी था लास्ट एप्लीकेशन में था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ आपको पता नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए थीटा नहीं पता कर सकते। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने कर दिया, देख लिया ना, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इसी सर्किल को एंगल थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, सर्किल का एंगल बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये आप खुद कर सकते हो, देखो मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में अब सर्किल थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, है ना, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, इसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे आपको निकालना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस केवल डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पर भी आपके सामने सिमेट्रिक बॉडी से वो आ गया, तो इसकी दोनों ओर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, दोनों ओर कॉम्पोनेंट निकलेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप लोगों ने स्ट्रिप काटी है वैसे स्ट्रिप यहाँ भी कटेगी सिमेट्रिसिटी की वजह से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कॉम्पोनेंट डी ही था, जैसे ये थीटा था, ये थीटा था, तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट थे डी ई साइन थीटा और ये था डी ई कोस थीटा, ठीक वैसे ही यहाँ का कंपोनेंट भी निकलेगा इधर की तरफ, ठीक है, तो ये डी ई साइन थीटा तो ठीक है, डी ई कोस थीटा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी ई कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल डी ई साइन थीटा ही हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तो मैं इन शॉर्ट आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो से लेके पाई लिमिट तक रहेगा, बिकॉज अब आपने एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, तो ये हो जाएगा डी ई, केवल साइन थीटा बचेगा बिकॉज कोस तो कैंसिल हो गया, और खैर डी थीटा उसमें इंक्लूड है तो उसको बात कर, तो डी ई साइन थीटा। फिर इसका वही बात है कि आप यहाँ पे वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो पहले किया था, जीरो से लेके पाई डी ई का वैल्यू हम लोगों ने पहले भी निकाला था लास्ट स्लाइड के अंदर, के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन सेंटर से जो डिस्टेंस है उसकी आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था साइन थीटा डी थीटा जो भी हो, ये माइनस जे कैप में नीचे की ओर डायरेक्शन, तो उसका माइनस जे कैप में,
या माइनस जे के हम लोग ऑलरेडी लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको सोल्व करना पड़ेगा, माइनस का के लेमडा, आर से आर कैंसिल तो आर यहाँ आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है, जीरो से लेके पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे करने वाले हैं, तो वो माइनस माइनस प्लस और केस ऑब्वियसली भी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का टू के लैम्डा अपॉन आर। तो सिंपल सी बात, सवाल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही आप अगला वाला कर लें तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक बॉडी के लिए अगर मैं एक और सिमेट्रिक बॉडी यहाँ पर बनाऊँ इन द सेम वे, क्वेश्चन नंबर 7, वही सेम स्ट्रक्चर, अब की बात 3/2 तक मैं लेता हूँ इसको ना, तो देखो 3/2 तक लेने में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ। जैसे मान लीजिए 3/2 में ये वाला जो एरिया है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालना है आपको, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर आएगा हर एक कॉम्पोनेंट की वजह से। इन द सेम वे ये वाला जो एरिया है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज हम लोग यहाँ पे सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं ना इस वजह से। तो केवल जो ये वाला एरिया है ना बेटा, ये वाला एरिया केवल यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रोवाइड करेगा, केवल यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रोवाइड करेगा, और ये आपको निकालना आता है। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि यहाँ पे डी लेना है, फिर ये और ये ऐसे करके आपको करना है, बस डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। यहाँ पे आई के आ जाएगा, हम लोग थीटा एंगल पे लेंगे, जे के भी आ जाएगा, तो ये ठीक वैसी प्रॉब्लम बन जाएगी जैसी ये पहली वाली थी। बस पहली वाली प्रॉब्लम में आपने देखा कि माइनस आई के और माइनस जे के डायरेक्शन थी, बाकी प्रॉब्लम सेम है, सेम यही प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी, बस यहाँ पे डायरेक्शन प्लस आई के और माइनस जे के साथ डील होगी। तो सेम वैसे ही सॉल्यूशन करना है आप लोगों को इस प्रॉब्लम का, और इसका आंसर सेम वही आने वाला है जो पहले आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, मैग्नीट्यूड तो वही का वही है बिकॉज स्ट्रक्चर उतना ही फॉलो हो रहा है, तो के लैम्डा अपॉन आर, बस ये है कि डायरेक्शन जो है ना बेटा इसकी वो आ जाएगी आई के प्लस में आई के और माइनस में जे के। अरे बात समझ में, अगर मैं यही प्रॉब्लम को कंप्लीट सर्किल के लिए डिजाइन करूँ तो वो तो जीरो हो जाएगा सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे सिंपल सी बात है यार, वो एकदम सिमेट्रिक बॉडी बन जाएगी ना। तो एकदम सिमेट्रिक बॉडी बनने से वो कंप्लीटली क्या देगा आपको, जीरो प्रोवाइड करेगा। तो ये अगर मैं सर्किल बना दूं पूरा, तो ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट को कैंसिल कर देगा, ये जो पार्ट है, ठीक है, वो इस पार्ट को कैंसिल कर देगा, और ये जो पार्ट है वो इस पार्ट को कैंसिल कर देगा, कुल मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप चाहो तो इसको एक और तरीके से कर सकते हो, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने जैसे स्ट्रिप काटी है ना यहाँ पे, ऐसी स्ट्रिप काट लो, सेम ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो, मैं वो नहीं कह रहा, बस ये आप सिंपल सा एक कर सकते हो कि यहाँ पे लिमिट आपने जीरो से 2 लिखी है ना, अब इस लिमिट को बढ़ा के 0 से 2 कर दो, हर सवाल में आप ऐसा कर सकते हो। थोड़ा लेंदी हो जाएगा सवाल, कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ जाएगी, बट हाँ आंसर सेम ही आएगा। तो ये भी तरीका आप लोग यहाँ पे अपना सकते हो, इसमें कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, केवल एक एक स्ट्रिप काट दीजिए, उस एक स्ट्रिप को काट के उसको जितने एंगल में आपका लाइन कवर हो रहा है ना, उस उतने एंगल में आप लाइन को कवर कर लेना, तो आपका काम वैसे भी हो जाएगा, है ना, उसमें कोई ऐसा इशू आएगा नहीं आपको। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यहाँ पे जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो वेरी कर रही है, अब की बात अभी तक तो क्या लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट थी थ्रू आउट द लाइन, लैम्डा जो है वो कंप्लीट लाइन में क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। बट अगर मैं अब तुमसे बोलूँ कि ये जो मैं आपको 3 लिखवाए हैं, 0 से π/2, 0 से π और 0 से 3π/2 और 0 से 2π,
है ना, ये चार सवाल हो गए हमारे पास, पाई बाई टू, थ्री पाई और थ्री पाई बाई टू और टू पाई। इन सभी सवालों में लेमडा की जो वैल्यू है वो वेरिंग है, वेरिंग का मतलब थीटा के साथ वो वेरी कर रही है, कॉन्स्टेंट नहीं है। तो इंटीग्रेशन के अंदर लेमडा इंक्लूड होगा, जो भी आपको वैल्यू गिवन है, तो इंटीग्रेशन से हम लेमडा को बाहर नहीं निकालेंगे, जैसा कि मैंने इस सवाल में निकाला हुआ है सामने लिखा है, लेमडा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट था। अब अगर मैं अगले सवाल में लेमडा को कॉन्स्टेंट नहीं मानूँ तो क्या होगा, तो मैं एक एग्जाम्पल देखे जीरो से पाई बाई टू वाला करके दिखा रहा हूँ। सेम वही आप लोग क्या करना, आगे वाले सवाल में करना, और सेम वही बाकी तीनों में करना, पढ़ा वो सिमेट्रिक मान के जीरो मत कर देना, क्योंकि अब की बार लेमडा जो है ना वो कॉन्स्टेंट नहीं है। तो अब की बार अगर मैं सवाल करवाने वाला हूँ आप लोगों को, उस क्वेश्चन में ऐसा मत कर देना कि सर ये वाला जो इसकी वजह से और इसकी वजह से जो है वो जीरो हो जाएगा, ना 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 ना, क्योंकि अब की बार लेमडा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आप तो लिमिट लगाए करना, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से थ्री पाई बाई टू, जीरो से पाई, ये सब लिमिट लगा के ही आप सवाल को करेंगे तो बेहतर होगा। तो सवाल ये है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोड कॉस थीटा, देखो थीटा के साथ वेरी कर रहा है ना ये, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ फोर कॉन्फिगरेशन, मैं आपको एक कॉन्फिगरेशन दिखा रहा हूँ करके जीरो से पाई बाई टू वाला, फिर बाकी आप लोग कर लेना थ्री पाई बाई टू, वो सब तरीका वही का वही सेम तरीका है। पहला कॉन्फिगरेशन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा डी, ये थीटा एंगल से क्रिएट हो रहा है, एक्स एक्सिस से बनाना एंगल याद रखना, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से बनेगा, तो डी ई यहाँ पे कितना हो जाएगा, या फिर सिंपल डी लिखो, डी मत लिखो सीधा लिख लो, जीरो से पाई बाई टू, सिंपल है। बस हम यहाँ पे डी की वैल्यू जब पुट करोगे ना हम लोग, तो डी की वैल्यू पुट करते वक्त लेमडा में लेमडा नोड को खेल कॉन्स्टेंट है, जैसा अपन ने पहले किया था वैसे ही करना है, और इसके अंदर जो है लेमडा के अंदर जो है ऑलरेडी कोस थीटा है, तो वो कोस थीटा अंदर जाएगा, और ये वाला एक कोस थीटा और ये अंदर ये रहेगा ऐसा, ठीक है, और बाकी डी थीटा और आई के एफ के रहेगी इन द सेम वे, यहाँ पर वही होने वाला है। तो बस ये इंटीग्रेशन करने का एक आपको लफड़ा पड़ेगा, जीरो से पाई बाई टू, ये लैम्डा के अंदर जो कोस थीटा ये उसका है कोस थीटा, और साइन थीटा इसमें ऑलरेडी है, डी थीटा माइनस का जीरो। अब ये इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, तो मैं तो सिंपल सा करता हूँ, देखो इंटीग्रेशन करते वक्त मुझे पता है कि वो
कोस स्क्वायर थीटा का सिंपली इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो मैं कोस टू थीटा में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या करता हूँ बेटा, कोस टू थीटा में कन्वर्ट करता हूँ। मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कोस टू थीटा अपॉन टू, ये मुझे पता है फॉर्मूला, ठीक है। और डी थीटा तो खैर है, और माइनस आई के आपको भी शायद पता होना चाहिए फॉर्मूला। ऐसे ही साइन थीटा कोस थीटा को मैं कन्वर्ट करूँगा, तो मुझे पता है साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा कोस थीटा होता है, साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि वन का इंटीग्रेशन थीटा होता है। सो के लेमडा नोड अपॉन टू आर, मैंने बाहर निकाल लिया। नॉर्मली वन का जो होता है वो होता है थीटा, और कोस टू थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन टू थीटा अपॉन टू, और बाकी इसका जो लिमिट लगाना है वो तो जीरो से पाई बाई टू लगना ही है, और माइनस का आई केप यहाँ लगना है, प्लस साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस टू थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो माइनस कोस टू थीटा अपॉन टू, लिमिट लगाएंगे जीरो से पाई बाई टू, लिमिट डाल के सोल्व कर लेना इसको। आप लोग खैर, आप लोग को तो खैर आता है सोल्व करना, तो मैं इसका फाइनल आंसर आपको दे रहा हूँ, माइनस के लेमडा अपॉन फोर आर। कोई प्रॉब्लम आए सॉल्यूशन में तो मुझे आप लोग बता देना, मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या मेरी एप्लीकेशन के ऊपर। आज की क्लास में या किसी भी क्लास में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म। अब ऐसे ही आपको जीरो से पाई बाई पाई के लिए करना है, ऐसे ही आपको जीरो से थ्री पाई बाई टू के लिए करना है, और ऐसे ही आपको जीरो से टू पाई के लिए करना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। बट हाँ, लेमडा वेरिंग है, इसीलिए वेरिंग फंक्शन के लिए आपको इस तरह से थोड़ा सा लेमडा को इंटीग्रेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। और फिर भी आपको इस, आज की क्लास लंबी हो गई थोड़ी सी, तो समझ में नहीं आया तो एक दो बार और देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आया देखने के बाद तो फिर मुझे कृपया करके मैसेज कर देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली लोगों को समझ में आता नहीं है। बट मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको इस क्लास में सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट लेना वो सब समझ में आ जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस क्लास को दो बार देखना तब थोड़ा समझ में आएगा। ये तो केवल लाइन था, अब कल सरफेस आएगा और परसों वॉल्यूम आएगा, तो धीरे धीरे ये चीज़ें थोड़ी बढ़ती जाएगी। सरफेस में दो चीज़ें वेरी करती है, वॉल्यूम में तीन चीज़ें वेरी करती है, तो हमने आज कोई एक ही चीज़ वेरी करवाई है, क्योंकि आज लाइन था, क्योंकि सिंगल वेरिएशन मैंने करवाया इंटीग्रेशन में। अब कल डबल वेरिएशन में करवाऊंगा, क्योंकि कल सरफेस इंटीग्रेशन आएगा, परसों ट्रिपल वेरिएशन होगा क्योंकि उसमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन आएगा। तो ये सब स्ट्रक्चर आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। थैंक यू सो मच, फिर हम लोग कल मिलते हैं सरफेस के साथ। इस क्लास को कृपया दो बार देखना।